नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के अभिभावक संघ की मांग है कि कोविड 19 का गाइडलाइन का पालन कराते हुए खोले जाएं कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल। झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोविड 19 के गाइडलाइन का पालन कराते हुए क्लास 6 से 12वीं क्लास तक स्कूल खोला जाना चाहिए। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लगातार लॉकडाउन के बाद आज 11 महीने हो चुके हैं स्कूल बंद हुए और ऑनलाइन पढ़ाई का क्या लाभ है और नुकसान है, यह आम अभिभावक भी समझ रहे हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भी नो वैक्सीन नो स्कूल के तहत स्कूल खोलने जाने का विरोध कराते आ रही थी, पर अब समय आ गया है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो गया है, वहीं वैक्सीन भी उपलब्ध हो चुका है। इन परिस्थितियों में अब दर्जनों अभिभावक ने भी स्कूल खोले जाने को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन से आग्रह किया है ताकि सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाया जा सके। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 12 फरवरी से होगी प्रमाण पत्रों की जांच। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 12 फरवरी से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को जांच के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत पलामू के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 12 से 19 फरवरी तथा देवघर के अभ्यर्थियों की जाँच 15 फरवरी को आयोग कार्यालय में होगी। गिरिडीह चतरा तथा गढ़वा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच पूर्व में जारी तिथियों के अनुसार ही क्रमशः 15 से 17, 22 से 25 तथा 2 से 9 मार्च को होगी। इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग तिथियां भी जारी की गई है। बता दें कि आयोग ने पूर्व में जारी कार्यक्रम को अपरिहार्य कारण बताते हुए स्थगित कर दिया था। चमोली हादसे में झारखंड के मजदूरों के फंसे होने की सूचना के बाद सरकार के साथ आम जन व परिजनों की नज़र पल पल मिल रही खबरों पर है। अब तक 21 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। इनमें लोहरदगा के 9, मेहजाम के 7, रामगढ़ के 4 और बोकारो का 1 व्यक्ति शामिल है। राज्य सरकार ने सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। इन पर 31 लोगों की सूचना दी गई, जिनमें लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्होंने वापसी का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार से व्यवस्था करने की मांग की है। लापता लोगों के परिजनों ने कंट्रोल रूम में संपर्क कर सरकार से मदद मांगी है। कंट्रोल रूम द्वारा रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने लापता मजदूरों की अधिकृत सूची राज्य सरकार को नहीं भेजी है। मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन सचिव ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क कर सूची मांगी है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं। 15,188 लोगों को टीका भी लगाया गया। झारखंड में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जबकि इस संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 15,188 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका भी लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की आज रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की भी कोरोना वायरस से मौत नहीं हुई है। राज्य में मृतकों की संख्या 1,078 पर स्थिर रही। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटों में 61 नए मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,19,116 हो गई। राज्य में मृतकों की संख्या 1,078 पर स्थिर रही। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटों में 61 नए मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,19,116 हो गई है। राज्य में अब तक 1,17,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 464 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटा में कुल 9,652 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 61 संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में रांची के 45, धनबाद के 5 और पूर्वी सिंहभूम और बोकारो के 3-3 लोग शामिल हैं। खबर है झारखंड के रांची से। झारखंड में नियोजन नीति पर राजनीतिक, हेमंत सोरेन का ऐलान है सरकार लाएगी नई नियोजन नीति। वहीं पर रघुवर दास ने कहा, अगर मेरी नीति गलत थी तो एससी जाने की क्या जरूरत थी। देशभर में इन दिनों जहां किसान आंदोलन की चर्चा गर्म है, तो झारखंड में नियोजन नीति पर राजनीतिक छिड़ी हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे से मेरी नीति अच्छी है की होड़ में जुटे हैं। हेमंत सरकार ने 3 फरवरी को रघुवर सरकार काल में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा की है। अब इस फैसले से वर्तमान की सरकार को बीजेपी सरकार घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि नियोजन नीति में कोई त्रुटि थी तो संशोधन करते, आखिर सरकार ने उसे रद्द क्यों किया। रघुवर दास ने कहा कि रद्द करने के पहले सरकार ने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की।
झारखंड के सिविल सेवा परीक्षा जेपीएससी में पहली बार शर्त रखी गई है, अभ्यर्थी की यदि एक से अधिक पति या पत्नी है तो नहीं होगी उनकी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 राज्य सिविल सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन पहली बार नियुक्ति विज्ञापन में एक रोचक शर्त जोड़ी गई है। इस वर्ष सिविल सेवा के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक पति या पत्नी है तो चयन होने के बाद भी वे नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के 7वें कॉलम के 5वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वैसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है वे नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। बताते चले कि जेपीएससी के इससे पहले की किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के नियुक्ति विज्ञापन में इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। टेक्निकल विश्वविद्यालय पास आउट विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग, 30-30 का रहेगा बैच। बैठक में 14 एजेंडों को दी गई है स्वीकृति। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने तकनीकी संस्थाओं से पास आउट स्टूडेंट्स को स्वरोजगार से जोड़ने का खाका तैयार किया है। इसके तहत छात्रों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 30-30 के बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। एससी एसटी वर्ग के छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि अन्य वर्ग के छात्रों को शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क मद में कितनी राशि देनी पड़ेगी इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मंगलवार को वीसी प्रदीप कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। इसमें सदस्यों ने चर्चा के बाद उपरोक्त निर्णय लिए। झारखंड सरकार कर रही है तैयार नियोजन नीति का ड्राफ्ट, अब पदों पर होगी सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार नई नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, बजट सत्र में इसका संकेत दिखेगा। सरकार ऐसी नियोजन नीति बनाएगी जिसमें राज्य के 24 जिलों में तृतीय वर्ग व चतुर्थ वर्ग पर सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति होगी। इस नीति में 13 अनुसूचित व 11 गैर अनुसूचित जिलों का भेदभाव नहीं रहेगा। यह बात श्री भट्टाचार्य ने मंगलवार को बिरयातू स्थित पार्टी कार्यालय में कही। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। लॉकडाउन में काम छूटा तो वापस घर आकर करने लगे साइबर ठगी, बैंक अधिकारी बन लोगों को लेते थे झांसे में। पुलिस ने मंगलवार को रिंगो जिंगो से 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। 7 आरोपी को 12 मोबाइल सेट और 21 सिम कार्ड के साथ एक तालाब किनारे से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 7 बाहर काम क्या करते थे पर लॉकडाउन के बाद काम छूटने पर वापस घर आए और साइबर ठगी में लग गए। बुधवार को एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन बोली, स्थानीयता का आधार होगा 1932 का खतियान। झामुमो महासचिव सह जामा की विधायक सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा कि स्थानीयता को लेकर रघुवर सरकार का कट ऑफ डेट 1985 को नहीं मानेंगे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान ही होगा। सीता सोरेन ने मंगलवार को झामुमो मुख्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने कई जनविरोधी फैसले लिए थे। हेमंत सरकार में स्थानीय लोगों को 25 करोड़ रुपये तक का टेंडर मिलेगा। नौकरी देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। खबर है झारखंड के धनबाद से। झारखंड में मई में हो सकता है नगर निगम का चुनाव, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से बड़ी सरगर्मी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी राज्य के निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। इसी के साथ ही अब नगर निगम और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। धनबाद नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल 17 जून 2020 को ही खत्म हो चुका है। धनबाद के साथ ही चास और देवघर नगर निगम का भी चुनाव होगा। डीके तिवारी के निर्वाचन आयुक्त बनने से अब चुनाव होने की प्रबल संभावना है। सूत्रों की माने तो मई जून में नगर निगम चुनाव हो सकता है। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। झारखंड में 36 सरकारी निकायों को नोटिस, 2.5 लाख कर्मचारी को नहीं दे रहे हैं पीएफ। झारखंड सरकार के अलग अलग निकायों में काम करने वाले 2.5 लाख कर्मचारियों का पीएफ नहीं कट रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसी 36 संस्थाओं को नोटिस जारी कर पीएफ कानून के उल्लंघन के आरोप का जवाब मांगा है। रांची स्थित भविष्य निधि आयुक्तालय ने सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग से भी इन सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज की जाँच की अनुमति मांगी है। रेलवे ने शुरू की सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की तैयारी, स्पेशल ट्रेनों के किराए से बचेगी अब जान। कोरोना काल में सामान्य ट्रेनों की बजाय स्पेशल ट्रेनों का किराया आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। अभी बहुत सारी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो सका है। जो ट्रेन चल रही है उनका किराया सामान्य से अधिक है, लेकिन अब यह मुश्किल जल्द ही दूर होने वाली है। रेलवे मार्च 2020 की तरह ही ट्रेनों का सामान्य परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।
रेलवे ने सभी एक्सप्रेस मेमू डेमू और अन्य लोकल पैसेंजर ट्रेनों को भी फिर से पटरी पर लाने के लिए मार्च तक की तैयारी रखी है। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्द ही इस पर मंजूरी भी मिल जाने की उम्मीद है। झारखंड के 9,07,000 किसानों पर 4,038 करोड़ का कर्ज है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए माफ होगा। झारखंड में जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा का कर्ज माफ कर कर्ज माफी योजना की शुरुआत पिछले दिनों कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुरू की, लेकिन कर्ज माफी को अभी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, जिसमें बैंकों की अहम भूमिका है। बैंकों के स्तर से इस दिशा में कवायद शुरू भी की गई है। इस क्रम में जो आंकड़े सहेजे गए हैं उसके अनुसार राज्य के 9.7 लाख किसान जिनके कर्ज माफी की शुरुआत इस वर्ष की जा रही है, उनमें से 3.44 लाख किसान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्जदार हैं। स्पष्ट है कि एक तिहाई कर्जदार सिर्फ ग्रामीण बैंक के हैं, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया व स्टेट बैंक का नंबर आता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि कर्ज माफी के लिए 31 मार्च तक की मियाद तय की गई है। बता दें कि राज्य में कुल 12.93 लाख किसानों पर 5,774 करोड़ रुपए कर्ज है। फिलहाल बैंकों और सरकारों के समन्वय से जो सूची तैयार की गई है उनमें से 9.7 लाख किसानों का कर्ज माफ किए जाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।